दोस्तों, क्या आप जानते हैं गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई? आखिर क्यों भगीरथी को घोर तपस्या करनी पड़ी? नहीं तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई वर्षों बाद सगर नामक एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने इच्छावश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। धरती के चारों ओर ढूंढने पर जब नहीं मिला तो वह पाताल लोक गए, जहां ध्यान मग्न कपिल ऋषि के निकट घोड़ा मिला। यह मानते हुए कि इस घोड़ा को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उसका अपमान करने लगे और तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने अपने कई वर्षों की तपस्या भंग होने से अपने नेत्र की क्रोध से सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अंतिम संस्कार न होने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी। सगर सहित कई सगर के वंशजों ने तपस्या की, किंतु वह गंगा को धरती पर लाने में असमर्थ रहे। जब दिलीप के पुत्र सगर के वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए, ताकि सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग से धरती पर गिरेगी और उसे बाहर ले जाएगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दे। शिव जी भी मान गए। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव जी के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही निकलने दिया। शिव जी को स्पर्श करने के बाद गंगा नदी और भी पवित्र हो गई। पृथ्वी पर बहते हुए गंगा ने पाताल लोक के लिए एक और धारा का निर्माण किया और सगर के अभागे पुत्रों सहित लोगों का उद्धार करते हुए बहने लगी। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है। इसी तरह माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और प्राणियों का उद्धार करते हुए तीनों लोकों में बहने लगी। दोस्तों, अगर आपको भी शिव जी और गंगा नदी के बारे में कुछ जानने मिला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।